भाई कल राजस्थान वर्सेस गुजरात के मैच में राशिद खान ने क्या मैच जिताया है भाई। जहां गिल की विकेट निकलने के बाद लग रहा था कि गुजरात गई मैच से, लेकिन राशिद खान और तवितिया ने तो मैच ही बदल के रख दिया। अब कैसे बदला तो गिल ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग चुनी और कल जायसवाल एक बार फिर 24 बनाकर फेल हो गए। फिर राशिद ने जॉस बटलर को 8 रनों पर निपटा दिया, मगर फिर रियान और संजू ने मिलकर कल एक बार फिर अल्लाह बोला और दोनों ने मिलकर अपनी अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन कल जो गुजरात ने धोखे भाव से कैसे छोड़ी और मिसफील्ड करी है ना भाई, अगर नेहराजी ग्राउंड के अंदर होते तो सबको पता क्या होता। और फिर वाइड बॉल के चलते एम्पायर और गिल में फिर से तू-तू मैं-मैं हो गई। विजय ने 76 रनों पर रियान का कैच पकड़ा, परंतु संजू ने एटमायर के साथ मिलकर गुजरात को दिया 197 रनों का टारगेट। गुजरात बैटिंग करने उतरी तो साई और गिल ने मिलकर पावर प्ले तक अच्छा गेम चलाया, लेकिन पावर प्ले के बाद कुलदीप सेन ने साई को LBW और वैड और मनोहर की डंडिया गिरा दी। और फिर जब चैल ने आकर विजय शंकर और सुमन गिल को चलता किया तो लगा कि अब तो नेहराजी के पर्चे और कबूतर हो गए फेल। लेकिन शाहरुख तवेती और राशिद ने मिलकर एक बार फिर मैच बना दिया। और फिर जब जीत के लिए चाहिए थे आखिरी ओवर में 15 रन, तो राशिद ने बोला अब भी चेस करके देता हूं और गुजरात को मैच जिता दिया 3 विकेटों से।